विक्रम पब्लिकेशंस के जो है एप्लीकेशन को परचेज करना चाहते हैं और वहाँ से आपका जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ना, सर्च बॉक्स पे क्या करना, क्लिक करना आपका जो है ना, सर्च बॉक्स पे क्लिक करना और सर्च बॉक्स में जाकर के लिखना आपका जो है विक्रम पब्लिकेशन आपका जो है। तो जैसे आप विक्रम पब्लिकेशन लिख करके क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका जो है विक्रम पब्लिकेशंस का आपका जो लिंक आपका जो है आ गया आपका जो है, ठीक है। यही आपका जो विक्रम पब्लिकेशंस का आपका जो है एप्लीकेशन आपका जो है, अब क्या करना है आपका जो है इस एप्लीकेशन को क्या करना है, क्लिक करना है आपका जो है। जैसे क्लिक कीजिएगा है ना, तो जिस प्रकार से आप अदर एप्लीकेशंस को जो है क्लिक करते हैं तो उसको क्या करता है, डाउनलोडिंग करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या करना आपका जो है, यहाँ पर आपको जो है एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे फ़ोन में ऑलरेडी आपका जो है इंस्टॉल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर दिख रहा है आपका, ठीक है। अब क्या करना है, इस एप्लीकेशन को क्लिक करना है आपका जो, इस पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यू यूज़र वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप न्यू यूज़र वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका जो यहाँ पे आपका जो कुछ ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, नेम का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, ईमेल का है, स्टेट है, सिटी और पासवर्ड आपका जो, ठीक है। क्या करता हूँ यहाँ पर दे देता हूँ, मैं अपना नेम दे देता हूँ ललन कुमार, मोबाइल नंबर में जो है ईमेल डाल देना, ठीक। और ईमेल डालने के बाद यहाँ पर क्या करना, स्टेट को वेरीफाई करना है। तो स्टेट में लिख दीजिएगा कितना, जिसका जो भी स्टेट रहेगा, जिस किसी का अगर स्टेट आपका बिहार है, किसी का यूपी है, किसी का बंगाल है, तो अलग अलग स्टेट के जो है अलग अलग लोग लिखेंगे। आप किस स्टेट के किस सिटी से बिलोंग करते हो, तो क्या करना है, ये आपका मेन आपका जो है, यहाँ क्या करना आपको जो है, यहाँ अपने मन से एक पासवर्ड जनरेट करना होता है आपका, ठीक। ऐसा पासवर्ड रखिएगा ताकि आपको जो याद रह जाए आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है एक पासवर्ड अपने मन से जनरेट कर लेते हैं। तो कोई भी पासवर्ड आप जो है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या कीजिएगा, जनरेट कर लेगा जो आपको याद आ रहे हैं। और उसके बाद जो पासवर्ड करने के बाद क्या करना, रजिस्टर्ड का जो बटन उस पर क्या करना, क्लिक करना आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड पर क्लिक करना आपका। जैसे रजिस्टर्ड पर क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से क्या करेगा, थोड़ा सा घूमेगा गोल गोल आपका जो है। और उसके बाद ये आपका OTP मांगेगा, तो यहाँ पे ऑटो फिल कर दीजिएगा आपका जो है। और जैसे ही OTP यहाँ पे जो आपको OTP आपको दे देना आपका है ना। और OTP देने के बाद जो है आपका जो आपका जो एप्लीकेशन है से आपका जो है वो आपका स्टार्टअप का हो जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो रजिस्टर्ड होने के बाद जो है जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है, और जो आपने पासवर्ड लिखा था आपका जो वो पासवर्ड क्या करना है, फिलअप करना है आपका, ठीक है। बाई चांस अगर आप जो है अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉरगेट आपका जो है पासवर्ड आपका दिया गया है ना। पासवर्ड भूलने पर यहाँ से क्या कीजिएगा, फॉरगेट पे जा करके जो है नंबर डालना है, और यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड आपका जो है ये डाल करके आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना आपका, ठीक है। ओपन करना है एप्लीकेशन को, ओपन करने पर आपको जो है आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई पड़ेगा आपका जो, ठीक है। इस इंटरफेस में क्या करना आपको जो है, आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेस हमारा है वो कोर्सेस आपको जो देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको जो, अभी जो है आपका जो है ये कोर्स आपका ज़्यादा एक्टिव आपका जो है, ठीक है। BPSC TRE के लिए जो है यही कोर्स आपका जो है हमने है ना डाला आपका जो। तो यहाँ पर क्या करना आपको जो है, कोर्स को परचेज करने के लिए जो है ना, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको दिया गया आपका जो, ठीक। एक आपका बाय नाउ का है, दूसरा आपका प्ले लिस्ट का आपका जो, ओके। अब देखिए बाय नाउ प्ले लिस्ट होता है, अगर आप प्ले लिस्ट को देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर आपका जो है 40 तक आपका जो है ये आपको जो सेट दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है ना ये वाले सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा और ये वाले सेक्शन में आपको PDF मिल जाएगा। बाय नाउ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है आ जाना है, और देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बाय नाउ आपका जो है, तो इसको क्लिक करना आपका जो है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा जो है, तो देखिए आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा आपका, ठीक। फिर देखिए यहाँ से आपको जो लिखा हुआ है बाय नाउ लिखा हुआ जो है, अब इस बाय नाउ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है ना, तो ये आपको जो है लेके चला जाएगा आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन पे लेके चला जाएगा आपका जो है, ठीक है। और यहाँ से देखिए पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आपका दिए गए, जिससे आपको मन करे आपका जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि हम नेट बैंकिंग करेंगे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, EMI भी कटवा सकते हैं, पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आपका जो है, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे भी पैसा भी दे सकते हैं आपका जो है, किसी प्रकार के यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन नहीं आपका जो, नॉर्मली चार्जेज आपका जो यहाँ पे लिया जा रहा है आपका जो, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपका जो इसका इस्तेमाल करके जो है आप जो है अपना पेमेंट आपका